सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, मालदीव के दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी कर आएंगे मालदीव की सबसे बड़ी मस्जिद जुमा मस्जिद का निर्माण। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें, प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने इस कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव को चुना है। इसी कड़ी में शनिवार को पीएम मोदी मालदीव पहुंचे। बता दें, पीएम मोदी मालदीव के बाद श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। शनिवार की शाम को पीएम मोदी मालदीव की राजधानी माले पहुंचे, जहां रिपब्लिक स्क्वायर पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव ने विदेशी शख्सियतों को दिए जाने वाले अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया है, जिस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मालदीव ने आज मुझे अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान दिया है और मैंने विनम्रता से इसे स्वीकार किया। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों की दोस्ती का सम्मान है। वहीं स्वागत समारोह संपन्न होने के बाद नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार संचार जैसे मुद्दों से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। वार्ता के बाद दोनों देशों के नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मालदीव के साथ रिश्ते को भारत बहुत अहमियत देता है, हमें एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ता रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव को हर तरह से मदद मुहैया करना चाहता है, दोनों देशों का रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहे। पीएम मोदी ने बताया कि भारत मालदीव में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण और विभिन्न द्वीपों पर पानी और सफाई की व्यवस्था की सुविधा के लिए भी मदद करेगा। आपको बता दें, इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है कि हम मालदीव के साथ अड्डू में बुनियादी ढांचे का विकास और ऐतिहासिक जुमा मस्जिद के निर्माण में सहयोग करने को लेकर सहमत हुए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति सोलेह को भारतीय क्रिकेट टीम के हस्ताक्षरों वाला बला भी उपहार में दिया। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल की सब्सक्राइब करना ना भूले।